हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, ये हमारी गणित की, मैथ की 6 क्लास की वर्कशीट है और जिसका नंबर है 13, ठीक है, और डेट है 10 नवंबर 2020। इसमें क्या है, पूर्णांकों की तुलना। अब हम क्या कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है। क्या है, अब हम इसके जो रूल्स हैं उसको पहले समझ लेते हैं। क्या कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मीन्स क्या होता है, प्लस वाला, की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा। जैसे 64 और 34 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, संख्यात्मक 64, ठीक है, तो ये बड़ा होगा। अगर हम दो ऋणात्मक, ऋणात्मक मीन्स माइनस वाला को तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 45 माइनस 45 और माइनस 65 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा, माइनस 45। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर इधर चलते रहते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस का साइन होता है वो क्या है, छोटा होता जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना करें तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो एक ही हो, अगर ये होता तब भी क्या है, ये ही बड़ा होता, ठीक है। तो हमेशा धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होगा। अब क्या है, जीरो भी सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, ठीक है, जीरो सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। हमने क्या है, ये रूल हमने पढ़ लिए हैं, इसको आप ध्यान से बेटे 2-3 बार रिवाइज करना तो आपको ढंग से आ जाएगा। अब क्या है कि संख्या रेखा पूर्णांकों की तुलना, हमने बताया था कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और हम जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो संख्या का मान क्या है, कम होता जाता है। जैसे हमारा अब ये माइनस वन है, माइनस वन क्या है, माइनस पाँच से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे जो माइनस, ये सिर्फ एक है, ये क्या है, पाँच से क्या है, ये छोटा होगा, ठीक है। हमारे जब हम इधर की साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड, जब हम दाएं तरफ जाते हैं तो हमारा क्या है, मान जो है बढ़ता जाता है, अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो हमारा मान क्या है, घटता जाता है, ठीक है। अब क्या है, संख्या रेखा पर दाएं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ता जाता है, और वैसे ही संख्या के बाएं, ये आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे ये कि माइनस तीन और माइनस दो में से कौन बड़ा है, माइनस दो, ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं कि माइनस दो और माइनस एक में से कौन बड़ा है, माइनस एक, माइनस एक और जीरो में से कौन बड़ा है, हमारा जीरो बड़ा है, क्योंकि आपने देखा था कि जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, और जीरो जब क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक से क्या है, कम होता है। ऐसे ही हमारा ये हो गया। अब याद रखने वाले बिंदु जो आपके हैं वो क्या हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं हमेशा। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, वो कोई सा वो ना ऋणात्मक है वो ना ही धनात्मक है। जैसे ही हम संख्या रेखा शून्य के दाईं ओर चलते हैं तो पूर्णांक का मान बढ़ता जाता है, इधर के साइड चलते हैं तो दाईं ओर, और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य से बाईं ओर, ये क्या है, शून्य है आपका, बाईं ओर चलते हैं तो आपका मान क्या है, कम होता चला जाता है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकाला हमने, प्लस पूर्णांक जो हमारा, तो हमने क्या निकाला कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है वो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से क्या है, वो बड़ा होता है, और जीरो क्या है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक से क्या होगा, छोटा होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा। हमें ये क्या है, ये हमें अपने दिमाग में भरना है, फिट करना है, याद रखना है। अब कहते हैं आई आओ करें, अब क्या है, हमें इसमें बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है, ठीक है। अब हम इसमें ही करेंगे क्या है, जो बड़ा होगा, अब माइनस फाइव और दो है तो इसमें कौन सा बड़ा है, हमारा दो, ठीक है, तो हमारा मुंह किधर के साइड आता है, जो बड़ा होता है उधर के साइड मुंह आता है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, प्लस, क्योंकि हमेशा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। अब जीरो बड़ा है क्योंकि जीरो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ऐसे ही इसमें कौन सा बड़ा है, ये, तो हम ये निशान लगा देंगे। तो बेटा मेरे साथ साथ ही आप क्या है, निशान लगाइएगा, क्या है, अच्छा इसमें हमें गोला लगाना, देख मिनटों को बच्चा, गोला लगाना है, इसमें गोला लगा देंगे हम, गोला लगाना है, इसमें गोला लगा दिया हमने, इसमें साइन नहीं भरने, इसमें हमें गोला लगाना है, या आप गोला लगा देना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इसमें हमें क्या है, गोला लगाना है बड़ी संख्या पे, ठीक है। अब हमें सेकंड वाले में, अब हमें बढ़ना है कि बराबर है, बड़ा है, छोटे का साइन हमें लगाना है। अब क्या है, जीरो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है, चतुर की साइड मुँह आ गया, इसमें कौन सा बड़ा है, माइनस 60, क्योंकि हमेशा क्या, इधर चलते जाते तो माइनस के मान घटता रहता है। अब कौन सा बड़ा है, माइनस 5 बड़ा है, इसमें कौन सा है, 40, और इसमें 106 और 180 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और माइनस 7 और 5 में 7 बड़ा है, वो 5 बड़ा है, तो हमने ये लगा लिया। बेटा मेरे साथ साथ इसको
कर लेना क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ, ठीक है। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो हम ये क्या है हमारा, पहले सबसे पहले -8 क्योंकि सबसे छोटा है, ठीक है। फिर -4 उससे थोड़ा बड़ा है, फिर 0, ठीक है, फिर 4 और फिर 6। क्या है, बढ़ते क्रम में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये इससे बढ़ रहा है, ये इससे बड़ा, तो हमने बढ़ते क्रम में इसको लगा लिया। अब हम करेंगे ये वाला, क्या है पहले क्या आएगा हमें, क्या बढ़ते क्रम में पहले माइनस, ठीक है, 28, फिर -1, फिर हमारा 7, फिर हमारा क्या आएगा 14 और फिर हमारा 35 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बढ़ता रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले 28, फिर 1, फिर 7, फिर 14, फिर 15, ये हमारे क्या है बढ़ते क्रम में हमने इसको लगा ली। ये मेरे साथ साथ बेटा कर लेना। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब इसको घटते क्रम में लगाना है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे घटते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा है हमारा 6, उसके बाद है हमारा 5, फिर है हमारा 0, ठीक है, फिर -2, फिर -7, क्योंकि घटते क्रम में है, ये क्या है घटते हुए क्रम में है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो हमने ये लगा लिया। अब हमारे दूसरे पे आते हैं, सबसे छोटा क्या, सबसे बड़ा क्या है 69, ठीक है, फिर है 64, फिर क्या है 28, फिर -42 और फिर -75, तो ये क्या है घटते क्रम में हमने लगा लिया। तो ये बेटा यहाँ से देख के आप अभी मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें ये ध्यान रखना है, COVID-19 चल रहा है तो हमें इसके लड़ाई के लिए सावधानी बरतनी है, मास्क हमेशा उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, और कहीं बाहर जाएं तो 2 गज दूरी का ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको इतना सराह रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अब बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, खुश रहिए हमेशा और हमारे वीडियो देखते रहिए। बाय बच्चों।